अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज्जत। क्या भागती दौड़ती मैं आई हूँ, और अभी आते ही मैंने कहा कॉफ़ी तो उठा लूँ, एटलीस्ट कॉफ़ी पीऊँ। जब मौसम कुछ ऐसा हो खुशगवार सा, खुशगवार हमें अच्छा लगता है जब गर्मी हो रही होती है और फिर उसमें हम दुआएं कर रहे होते हैं बारिश हो जाए। लेकिन जिस तरह हम पहुँचे, बहुत ट्रैफिक, बहुत पानी, और आई एम श्योर कि ये हमने सफ़र किया है, एक सफ़र वो भी किया है और दूसरा सफ़र भी किया हमने साथ में। लेकिन बाकी लोगों को भी मैं देख रही थी, बहुत सारे बाइकर्स जितने थे वो बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि रोड पे इतना पानी है कि कुछ समंदर सा कुछ समा लग रहा था, और बाइक्स ख़राब हो रही थी, गाड़ियां ख़राब हो रही थी, लोगों को परेशानी हो रही थी और शदीद ट्रैफिक जैम। तो बस हम यही दुआ करते हैं, जब हम बारिश की दुआ कर रहे थे साथ साथ यही कहते कि भाई थोड़ी थोड़ी ही रहे। हालांकि मानसून की जो इंटेंसिटी थी, जितनी बताई जा रही थी उतनी नहीं हुई, लेकिन मैं ये कह रही हूँ थोड़ी में ही ज़रूरत से ज़्यादा हमें लगने लग गया है। बस मौसम बेहतर हो और ज़्यादा टेंशन ना हो, होपफुली सब लोग खैरियत से पहुँच जाए, कोई परेशानी ना हो। और इसके साथ साथ रेसिपीज़, बकराए, ये तमाम चीज़ें, ओ माय गॉड, मैं ये सोचती हूँ मंडियों का क्या हाल हुआ होगा वहाँ पर। ऑल दो जबकि कॉन्गो वायरस भी स्प्रेड हो रहा है, तो ख्याल रखें ज़रा, मंडियों में अब जा रहे हैं तो ऐसे शूज़, ये जॉगर्स प्लस सॉक्स पहन के जाएँ, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये अभी हमने लास्ट डेज इसके ऊपर बात कर ली है, अब ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत हो गई है, इसलिए क्योंकि अब बारिशें हो गई हैं, ये तमाम चीज़ें, और हम इनसे कंटेजियस होते जा रहे हैं। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी यही है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखना है। कैसे, वो हम पहले शो पर बात कर चुके हैं, और आई नो के बहुत सारे लोगों को आइडिया भी होगा कि क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, आज हम किस पे बात कर रहे हैं, जैसी समर्स का जैसी आ रहे होते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा पानी, ड्रिंक्स और इनके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं कि पीना चाहिए, ज़रूरी है। ऑल दो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम कौन सी ड्रिंक्स की बात कर रहे होते हैं, हम चाहते हैं यही कि फ्रेश जूसेस पी लें, मिल्क शेक्स पी लें, और मिल्क शेक्स में टॉप ऑफ द लाइन जो मीठे होते हैं और बेहतरीन लगते हैं हमें, बनाना एंड मैंगो, ये दो मिल्क शेक्स ऐसे हैं जिसमें नेचुरल मिठास तो मौजूद है। लेकिन आपके माइंड में क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि बनाना में ज़्यादा होगा या मैंगो में कैलोरी ज़्यादा होगी? मैं पहले ये सोचती थी ओहो बनाना बस ये लगता है वेट गेन करने के लिए है, तो बनाना में कैलोरी ज़्यादा होगी, जबकि जब आप मैंगो शेक या बनाना शेक सेम ग्लासेस का बनाते हैं, विदाउट शुगर बनाते हैं, तो जब कैलोरी काउंट करेंगे तो मैंगो में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बनाना। येस राइट, क्योंकि उसमें आपको मैंगो में एक ग्लास में मिलेगी 170 और इसमें मिलेगी 150 कैलोरी। तो ये तमाम कैलोरीज काउंट करके जो लोग पी रहे होते हैं तो उसका ख्याल रखें, अगर एक्स्ट्रा स्वीट डालते हैं आप उसमें शुगर या कुछ भी, तो हनी ऐड कर लें इंस्टेड ऑफ ये कि आप वाइट शुगर ऐड कर रहे हैं, और इसके अलावा लेकिन हेल्दी दोनों हैं। हम अगर बनाना की बात करते हैं तो उसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम मिल रहा है, और अदर हैंड हमारे जो मैंगो है उसमें कॉपर भी मिल रहा है जो कि बहुत कम फ्रूट्स में होता है। दोनों हेल्दी हैं, लेकिन जब बहुत पी रहे होते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रख के पिएं, मज़ेदार होते हैं। समर में ड्रिंक्स एंड मिल्क शेक ज़रूर लें, लेकिन जो वेट वॉचेस हैं कैलोरी काउंट करके पीते हैं तो इसका ज़रा ध्यान रखना ज़रूरी है। और अब चलते हैं आपा की तरफ, रेसिपीज बकराईद की हैं, ख़ास हैं, मज़ेदार हैं, चलते हैं पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मापा। वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, मैं नहीं बैठ रही, मेरा ड्रेस ऐसा है आज, अगेन मैं नहीं बैठ रही, आज मैं खड़े होकर आपस से बात करने वाली हूँ। मैं सबको बता देती हूँ कि भाई जब जब मुझे ऐसे लगता है ड्रेस पे ज्यादा रिंकल्स आ रहे हैं प्लेन ड्रेसेस के ऊपर, तो वो बुरे लग रहे हैं, वो होते हैं, वाकई बुरे लगते हैं। अच्छा बताएं कैसा रहा सफर, अगर आज आपको बोल दिया जाए चले आपको मंडी की सैर कराते हैं? मैं कभी भी नहीं जाऊँगी आज, क्या मैं कभी भी नहीं जाऊँगी? अच्छा वैसे भी नहीं जाएंगी? नहीं नहीं, मैं कभी नहीं जाती और ना कभी गई हूँ आज तक, क्योंकि मुझे एक तो थोड़ा सा डर भी लगता है, फिर दूसरे जरा सा तो बकरा मंडी ले जाते हैं, छोड़े ना गायब की मंडी जाते हैं, वो तो ज्यादा चौकस होते हैं, बकरे तो ज्यादा तेज होते हैं। बहरहाल मैं खैर कभी ना गई हूँ ना मुझे लगता है मैं कभी जाऊंगी। हाँ। और ये मर्दों का काम है जो उन्हीं पे जेब देता है, तो बिल्कुल जनाब। तो मुझे बताएं आपके घर तो एक अरसे से गाय आई हुई है, प्यार बयान नहीं किया, पास नहीं गई, क्या मतलब है? नहीं मैं थोड़ी लेकर आई हूँ को गाय कोई नहीं लाई नहीं है, लेकिन एक होता है ना वो थोड़ा थोड़ा सा प्यार करना और अच्छा, वो तमाम नहीं, 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 वो नहीं? कुछ भी नहीं किया। तो पहले सलाम दुआ कर लें, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं आप तमाम लोग? आज हम देखें सलाम करते हुए आपको काउंटर पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ जोर शोर से बन रही है मसालेदार एक बिरयानी, ठीक है, मटन मसाला बिरयानी। मैंने सोचा कि अब मैं इन लोगों की जो अपनी ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ कि मसाले वाली बिरयानी और वो भी मटन की किस तरह से बन सकती है, बहुत ज़बरदस्त बनेगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ मैंने पकने के लिए छोड़ दी थी, इसकी वजह ये कि यहाँ पे ज़्यादा ऑब्वियसली गोश्त को गलना था, सारी चीज़ें होनी थी, तो मैंने इसको गोश्त को गलने के लिए रख दिया।
अब हम जो दूसरी रेसिपी बनाएंगे वो है गोला कबाब कीमा फ्राई, सी कबाब कीमा फ्राई। जैसे अभी ने कहा था कि कल के सी कबाब और उसके अलावा कीमा फ्राई बनाएंगे, तो ऐसा हर किसी में नहीं, सी कबाब कीमा फ्राई। यानी दो अलग रेसिपीज हैं? नहीं, बिल्कुल एक रेसिपी है ये, क्योंकि सी कबाब के स्टाइल में हम बनाएंगे, कबाब नहीं बनाएंगे, कीमा बनाएंगे। उसके बाद उसको कैसे फ्राई करेंगे, कैसे कुक करेंगे, ये आपको बताएंगे। मतलब कि वो कबाब होगा कि वो कीमा होगा? वो कीमा होगा। ओह, सी कबाब कीमा फ्राई, नाम थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन भारत बहुत अच्छी रेसिपी है। हाँ। काम करते हैं अबील के है, ये तो मसाला हो ही रहा है तैयार ना, तो जब हम सेकंड ब्रेक मतलब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको बता देंगे वहाँ क्या हो रहा है। पहले काम करते हैं यहाँ पर, जैसे कि मेरे पास गाय का कीमा है, बीफ का कीमा है, ये हाफ के जी कीमा था। इसके अंदर हमने 1.5 टेबल स्पून भर के पपीता लगा के इसको छोड़ दिया, 2-2.5 घंटे के लिए छोड़िएगा, क्योंकि आजकल तो मौसम ऐसा है कि आप थोड़ी देर भी छोड़ेंगे तो हो जाएगा काम। इसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करेंगे, इसकी मैरिनेशन है, इसलिए मैं चाह रही थी कि ब्रेक पे जाने से पहले ये आप तक हम पहुंचा दें। ये गया दही। अच्छा, दही इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 1/2 कप, थोड़ा सा ज़्यादा, 3/4 कप जाएगा इसके अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट ये जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, ठीक है जी, ये चला गया। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 1 टीस्पून, इसके अलावा छोटी इलायची है मेरे पास यहाँ पे, ये डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, पिसी हुई प्याज, अच्छा फ्राई की हुई प्याज, इसको फ्राई करें, फ्राई करने के बाद आप इसको पीस लें, ये जाएगा इसमें 1/2 कप के करीब। यानी अगर आप लेते हैं इसमें कितना लेंगे आप एक बड़े साइज़ की प्याज लीजिएगा, उसके बाद आप इसको फ्राई करके पीस लीजिएगा तो बेहतरीन रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर हम डालेंगे कबाब चीनी पाउडर। कबाब चीनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जब हम ये वाला कीमा बनाते हैं, सी कबाब कीमा फ्राई बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको बताया। लेकिन इसमें हमेशा इस बात का आपने ख्याल रखना है कि क्वान्टिटी कम हो, ज़्यादा क्वान्टिटी डाल देंगे तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें, ये देखें जी, ये तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल किए, 1/2 kg के अंदर। जहन में रखिएगा, जायफल जावित्री का पाउडर ये जाएगा इसके अंदर 1/2 टीस्पून, और कबाब चीनी इजीली मिल जाती है, आपने अगर नहीं ली अब तक तो ज़रूर लेकर आइएगा, क्योंकि ये आपको पता है कि यहाँ पर अब जो बकरीद के ज़माने में मैरिनेशन होती है, बाबिकी होता है, कीमा बनता है, सी कबाब बनते हैं, उससे बेहतरीन होती है। इसके अलावा हम इसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च ये गई इसमें 1.5 टीस्पून, चाहे तो थोड़ी सी कुटी हुई डाल दें, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और डालेंगे हम इसमें राइट सॉल्ट। ओके, राइट सॉल्ट जाएगा इसमें टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि मैंने थोड़ा सा डाला था अब पपीते के साथ, इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। अब डालेंगे इसके अंदर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डाल लें, या फिर आप इसमें वनस्पति भी शामिल कर सकते हैं। आपका क्या दिल है? मेरा दिल आज ये है कि मैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, बारिश को देख के चेंज हो गया क्या? हाँ, मैंने कहा पकौड़े तो बन नहीं सकते तेल में, तो एक काम करते हैं इसमें डाल देते हैं, ये डालेंगे हम, बिल्कुल बन सकते हैं। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी, कोलेस्ट्रॉल से 100% मार्क, USG treated, double refined, guaranteed, हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति का। जी आप, हम ब्रेक अच्छा, ले सकते हैं? बिल्कुल ब्रेक लेने, मैं इसको मिक्स करके रख दूंगी, कम से कम 15 से 20 मिनट आप घर पर रखिएगा, लेकिन या तो आप जब आप ब्रेक से वापस आएंगे मैं इसको कुक होने के रख दूंगी, क्योंकि इसका एक और भी स्टेप है, वो क्या है वो आपको हम बताएंगे, लेकिन इसको मैं मिक्स करके रखती हूँ, फिर हम आगे आके बिरयानी तैयार करेंगे। डन हो गया, बिरयानी जाननी है, ये है सी कबाब कीमा फ्राई, बहुत ही ज़बरदस्त सा बन रहा है। इसमें सॉल्ट का जो हमने इस्तेमाल किया है, हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको वो तमाम चीज़ें बताएं जो आपकी हेल्थ के लिए बेहतरीन हो। जिस तरह से बेहतरीन नमक की हम बात कर रहे हैं, नमक का जब भी इंतखाब कीजिए तो बेहतरीन होना चाहिए। राइट सॉल्ट लो सोडियम सॉल्ट है, कैल्शियम को बॉडी में स्टोर करता है और इसके साथ साथ वेट को कंट्रोल रखता है, बीपी को कंट्रोल रखता है, तो इसीलिए राइट सेहत के लिए ज़रूरी है राइट सॉल्ट लीजिए। अब रेसिपीज की डिटेल, मजीद आगे इसमें क्या हो रहा है, इन कॉलर्स हो जाएं तैयार, आप लोगों से भी ढेर सारी बातें करनी है। फिलहाल है ब्रेक का टाइम और फिर थोड़ी देर में आपको ज्वाइन कर रहे हैं। बैक, और जल्दी से आ जाए, यहाँ जानते हैं एक तरफ बिरयानी, दूसरी तरफ सीख कबाब कीमा फ्राई, यानी भरपूर मजेदार बकराई की खास रेसिपीज। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सही लग रहा है। इसको एक काम मैं करती हूँ कि इसको मैरिनेट हमने कर लिया काफ़ी इतना, अब मैं इसको रख दूँगी पकने के लिए, ताकि जब हम इसको दोबारा से, इसको हमें फ्राई भी करना है तो हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, और इसको हम
क्योंकि इस टाइप की चीज़ें ज़रा पसंद की जाती हैं घरों में, हाँ। है ना। इसमें पानी डालने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं, पहले मैं थोड़ी सी आँच को तेज़ करूँगी और उसके बाद धीमी आँच कर देंगे, उसी में ही अच्छा गल जाएगा, पक जाएगा। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे, भूनने के बाद हम इसको किस तरह फ्राई करेंगे आपको बताएंगे। बस इसको हम कवर करके कुक होने के लिए छोड़ देते हैं, सही है जी। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप बिरयानी का मैंने यहाँ पे मसाला तैयार किया हुआ है, तैयार करना शुरू किया था, यानी हो रहा है ये। इससे हमने क्या किया था, मटन लिया था हमने 750 ग्राम या 600 ग्राम आप मटन ले लीजिए, और हड्डी वाला होना चाहिए ताकि आपकी बिरयानी बेहतरीन बने। इसमें मैंने डाला था 1 टीस्पून, इसके अंदर हमने 1/2 टीस्पून हमने राइट सॉल्ट इसके अंदर शामिल किया था, नमक, मिर्च, हल्दी आप अपने टेस्ट के मुताबिक, और पिसा हुआ धनिया, साबुत गर्म मसाला, सब चीज़ें डाल के इसको हमने कुक होने दिया। साथ ही हमने इसमें 2 टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 बड़े साइज़ की प्याज डाल दी थी। अब ये पक रहा है, पक रहा है, पक रहा है। अब आप देख सकते हैं इसमें कोई तेल नहीं, कुछ नहीं, कोई भूनना नहीं है, हमने कुछ नहीं करना है। okay. आगे बताती हूँ क्या करना है, आगे बताती हूँ, आगे बताती हूँ, अगर आगे बताती हूँ आगे, आगे। अच्छा जी, ये पक रहा है, ठीक है। ये अब आप देख सकते हैं इसकी शक्ल ऐसी होगी। ये बिरयानी जब आप बनाएंगे तो आप कहेंगे ओहो इतनी आसान है बिरयानी बनाना। अब आप देख सकते हैं इसमें हड्डी वाला, बगैर हड्डी वाला, सब तरह के गोश्त इसके अंदर शामिल है। इसी से एक अच्छा जूसीपन जो है वो इसके अंदर है, लेकिन इसके टेस्ट को और इन्हांस करने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे नौ का जो मेरे पास रखा हुआ है पुलाव का जी, है? जी, अच्छा, जी ये है पुलाव सूप स्टॉक। वाह, ये इससे और आपकी बिरयानी जो है वो शानदार हो जाएगी। तो ये मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा, इसमें फिर आपको नमक डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैंने नमक थोड़ा सा कम ही रखा था। कम्बल करके डाल दें, ऐसे ही डालना चाहें ऐसे ही इसमें आप डाल सकते हैं। सोचे पुलाव सूप स्टॉक है ये, यानी अब अपनी बिरयानी और पुलाव को भी बना सकते हैं बहुत ही खास। चिकन का असल मोर्क का मजा चाहते हैं तो कनौर का ये पुलाव सूप स्टॉक ऐड कर सकते हैं, इससे सूप रेडी कर सकते हैं, इससे स्टॉक रेडी कर सकते हैं, इससे यखनी आप तैयार कर सकते हैं और मजा ले सकते हैं असल चिकन का। और जब आप चिकन की भी बना रहे होते हैं, लेकिन अब जो चिकन हमारे यहाँ आ रही है हमें मजा ही नहीं आता, हम कहते हैं क्या बात है भाई चिकन बना दी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन जब आप चिकन क्यूब वो भी कनौर का जब ऐड करेंगे तो मजा हो जाएगा दोबारा। एक्चुअली आपको चिकन का मजा मिलेगा, और जिस तरह से ये बिरयानी है या फिर आप कोई कढ़ाई बना रहे हैं या फिर सालन ऐड कर रहे हैं, कोई भी सालन में ऐड कीजिए और इंजॉय कर सकते हैं कनौर का ये मजेदार सा ये फ्लेवर चिकन का। और ये हमने लिया है पुलाव सूप स्टॉक लिया है, बिल्कुल लीजिए। अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त है इसका टेस्ट आएगा, खुशबू बहुत अच्छी सी इसमें आना शुरू होगी। अच्छा, ये देखें ये गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है, इसमें आपने यखनी जो है ना ये इतनी ही रखनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर यखनी है आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है ना, ये इतनी यखनी रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर चूँकि मैश इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर सेला राइस, आपके पास अगर बासमती है तो आपने बासमती को भी बॉयल करके रखना है, उसमें 2 कनी आप छोड़ के रखिएगा तो इंशाल्लाह आपकी बिरयानी बनेगी। अब आ जाते हैं इसके अगले स्टेप पे जो कि है बहुत ही ज़बरदस्त सा, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें डालेंगे। अब इतना काम आप करके पहले से रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। इस दफ़ा वैसे आप लोगों को शिकवा नहीं होना चाहिए कि मैंने को फ्रीज़ वाली चीज़ नहीं बताई है, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं कि आप जो है अपने घर में ईद को बहुत अच्छा सेलिब्रेट कर सकते हैं। आधा कप के करीब मेरे पास ये दही है, इसमें मैं शामिल करूँगी येलो फूड कलर, और ये भी तकरीबन 1/2 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँ। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। ये दही, दही का केचप सुना ही कहलाता है कि बिरयानी का, बिरयानी में डालने के लिए दही का केचप तैयार करें, ये को प्रोफेशनल ज़बान है और जिसका इस्तेमाल किया जाता है बड़े बड़े दही का केचप, ये इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पर, जहाँ ये जो पकवान सेंटर होते हैं वहाँ पर। ये तो अच्छा बच्चे रख देते हैं ना कुछ भी नाम रख देते हैं। हाँ, बस बस कुछ भी ऐसा ही नाम, ये भी कुछ ऐसा। अभी मैं काम करती हूँ, थोड़ी सी देर के लिए मैं ऑफ कर देती हूँ फ्लेम। अब मैं बारी बारी तमाम चीज़ें ऐड करूँगी, जिसमें सबसे पहले मैं डालूँगी ये दही का केचप, ठीक है जी, ये गया इसके बाद। अच्छा, इस तरह से डालें कि मीट के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। ओके, ये चला गया इस पर थोड़ा। अच्छा, बहुत और थोड़ा आपने इसका शोरबा छोड़ा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बिरयानी को हमें पकाना है ना, कुक करना है, और फिर ज़ाहिर है स्टीम में पकेगी तो किस तरह से पकेगी अगर स्टीम नहीं बनेगी, और स्टीम उसी सूरत में बनेगी जब इसके अंदर इस तरह से यखनी होगी, ठीक है जी। ये चलेगी, इसके बाद हम अब बाकी के इन्ग्रीडियंट डालेंगे, जैसे कि ये टमाटर हैं, टमाटर के स्लाइस, ये बहुत ही शानदार बिल्कुल देग स्टाइल बिरयानी है तो आप बिल्कुल बनाइएगा। हरी मिर्चें जितनी आप कम ज़्यादा डालना चाहें, मैं इतनी ज़्यादा नहीं डाल रही, थोड़ी सी हैं हरी मिर्चें लेकिन फिर भी हैं, ठीक है जी, 4-5 हैं यहाँ पे, आप अपने हिसाब से डालना चाहें डाल सकते हैं। उसके बाद ये गया हरा धनिया, ओके,
बहुत ही अच्छी बनेगी बिरयानी, आपको मज़ा आएगा क्योंकि वो एक तो बहुत प्रोफेशनल स्टाइल की बिरयानी है। अब जाएगा इसके अंदर ये पुदीना। ब्रेक तो अभी नहीं ले सकते, दम लगाना पड़ेगा, ले लेंगे बीच में कैसे बस छोड़ें? हाँ, ये नहीं फिर धैर्य, फिर वो टाइम हो जाएगा। हाँ। ये बस हो गया, ये गया पुदीना इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद हम क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे हम ये फ्राई की हुई प्याज, जो एक बड़े साइज़ की प्याज थी वो फ्राई करके हमने इसमें डाल दी, ये चली गई इसमें। इसके अलावा लेमन स्लाइसेस, अगर पसंद नहीं है तो मत डालिएगा, अगर लोगों को, कुछ लोगों को खट्टा पसंद आता है तो डाल देते, नहीं है अच्छा लगता तो आप बिल्कुल मत डालिएगा। मज़ीद खट्टा के लिए। हाँ, ये गए इसमें आलू बुखारे। वैसे बिरयानी की जान आते हैं, है ना, अच्छे लगते हैं। क्या चीज़? ये आलू बुखारे, आलू बुखारे। अच्छा, लेमन भी, लेमन भी। हाँ, लेमन अच्छा लगता है, मुझे लेमन पसंद है, लेकिन आप आलू बुखारा डालना चाहें आलू बुखारे भी डाल सकते हैं। ये तमाम चीज़ें चलेगी। अब क्या रह गया, मुझे लगता है इसमें शायद जायफल और जावित्री का पाउडर रह गया, जो मैं अभी ज़रा से इसको उधर रख दीजिएगा। अच्छा, केवड़ा एसेंस, केवड़ा, ये बिरयानी एसेंस नहीं, केवड़ा एसेंस, केवड़ा नहीं, केवड़ा एसेंस है, बिरयानी नहीं है ये भी। इसी तरह से तकरीबन हाफ अ टी स्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। केवड़ा वाटर है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये पूरी तैयार हो गई, ठीक है। अब मैं काम करती हूँ, ये पूरे राइस जो है, जो मेरे पास यहाँ पे बॉईल हुए हैं, ये गए पूरे राइस, थोड़ा सा फैला लेते हैं ताकि सब तरफ आ जाए। ये हो गया। अब बारी आती है इस पर क्या डालेंगे हम, इस पर हम डालेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल या बनस्पति, कुछ भी आप डाल सकते हैं, लेकिन बिरयानी में थोड़ा सा ये होता है कि ज़्यादा अच्छा लगता है क्या, बनस्पति, बनस्पति इसके ना? जी जी, बनस्पति। इसको हम थोड़ा गरम कर लेंगे। अच्छा अच्छा, एक काम और भी करते हैं कि यहाँ पर हम येलो फूड कलर पानी में डिजोल्व कर लेते हैं। ये है हमारे पास येलो फूड कलर। आप ब्रेक भी लेना। हाँ, ले बिल्कुल लेते हैं, लेते हैं। ये बताएं, फौजी बनस्पति हम ले रहे, दानेदार सा, मज़ेदार सा, और डालिए, और डालिए थोड़ा सा और डालिए, क्योंकि इसको ये गर्म हो जाएगा तो मैं ऊपर से ऐड करूँगी बस, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास ये येलो फूड कलर है, ठीक है, इसमें सॉरी आपको चाहिए पानी, पानी, ठीक है, ये पानी डाल दिया हमने। हालांकि हमने दही का जो केचप बनाया था उसमें भी डाला, उसमें भी डाला था। वैसे इंटरेस्टिंग लगा ना आपको ये दही का केचप, मज़े की बात है। अच्छा जी, तो फौजी बनस्पति वहाँ गर्म हो रहा है और वहाँ इमरान इस्माइल को ब्रेक की टेंशन हो रही है। हाँ, बहुत ये क्या इसमें। अच्छा, अब ये जो है ना, आपको बता देती हूँ कि ये गर्म हो जाएगा तो मैं उसके ऊपर से डालूंगी, स्टीम आएगी, कवर करूंगी और दम पे छोड़ दूँगी, ठीक है। यानी खोलाना है फौजी, बहुत ज़्यादा गर्म करना है, गर्म हो जाएगा तो फिर अच्छा, मतलब खोलाना है। अच्छा अच्छा, खोलाना नहीं है, चले मैं बता देती हूँ, ये हो जाए गर्म होना चाहिए थोड़ा सा। ये देखिए इस तरह से आप, अब क्या करूँ सर, तो टाइम नहीं होता ना। अच्छा, जहाँ पर येलो फूड कलर डाले वहाँ ज़रूर डालिएगा, लोगों को शिकायत होती है कि यहाँ से फीका फीका लगता है। अच्छा। पानी पानी लगता है। ये हो गया, दैट्स इट, ठीक है जी। और स्टीम भी इसके अंदर आना शुरू हो गई, इसको मैं कवर करती हूँ और जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो ऑलमोस्ट बिरयानी हमारी तैयारी पे होगी। ऑल राइट, डन हो गया। तो ये बहुत ही खास और मज़ेदार सी मटन मसाला बिरयानी बन रही है, मसालेदार, तो आपने देख लिया है। फुल डिटेल आप बहुत अच्छे से शेयर करती, जबकि जब हम इस्लामाबाद कुकिंग क्लास में गए थे सब लोगों की यही शिकायत थी, हम लोग जब बिरयानी बनाते वो अच्छी नहीं बनती, कराची वालों की बिरयानी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो ये है हमारी बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपर्ट, तो इनकी फुल डिटेल हम बिरयानी की। अब मज़ीद कुछ रह गया होगा तो शेयर करेंगे, फिलहाल ब्रेक का टाइम, और फिर थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और यहाँ पर क्या बिरयानी की खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त सी। मैंने कहा आपा को एक बात बताती हूँ, मुझे आज बिरयानी बना रही थी तो इस्लामाबाद कुकिंग क्लास में बहुत सारे लोग थे। अच्छा, सारे लोग ये कहते हैं कि आपा वहाँ पर पंजाब में, कहते हैं इस्लामाबाद में अगर कहीं भी लिखा हो ना कराची बिरयानी, कराची हम वहाँ नहीं जाते। मैंने कहा भाई क्यों, कहते हैं कराची की बिरयानी की बात ही अलग होती है, यहाँ कुछ भी कर लें वो बिरयानी की बात नहीं आती। तो कोई शक नहीं इसमें, कोई शक। अच्छा, मजे की बात है, लाहौर में लिखा होता है कराची बिरयानी और कराची में अमूमन एक दो जगह मैंने देखा लाहौर की बिरयानी ना। हाँ। तो अब ये चीज़ मुझे समझ ली कि जो कराची की बिरयानी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, और मेरे ख्याल से सभी बहुत शौक से खा रहे होते हैं, और लाहौर की जो होती है ज़रा वो माइल्ड होती है और वो कुछ पुलाव स्टाइल बनी हुई होती है। हाँ, वो भी यही कह रहे थे। और म्यां मेरे ख्याल से सारा मसाला चटपटा करके, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि साथ आपने देखा कि मैंने बनाई है, बहुत ही शानदार सी है, इंतहाई सिंपल, ये बिल्कुल देग वाला स्टाइल है। आप जब अपने घर में बनाएंगे तो आप यकीन करें, आप सोचेंगे इतनी आसान भी हो सकती है बिरयानी। मसाला बेसिक बना के पहले रख लीजिए, उस
उसके बाद आपने देखा लेयर में जितनी चीज़ें हैं आजकल तो थोक के हिसाब से हर घर में होंगी, टमाटर है, हरा धनिया, पुदीना, लीमू, ये सब ने लेके रखा हुआ होगा। फिर आप बिरयानी बने क्योंकि बिरयानी का अपना एक टेस्ट है। जब आप बारबेक्यू से तमाम चीज़ों से भुने बीफ से सबसे थोड़ा सा थक जाएँ तो फिर बिरयानी पर आइएगा, आपको अच्छी लगेगी। ये बिरयानी इंतहाई सिंपल है, आप यकीनी तौर पर जब बनाएंगे तो मुझे दुआएँ देंगे। मैंने भी यही कहा, मैंने कहा ना हो परेशान अगर आप लोगों से नहीं बनती या वहाँ अच्छी नहीं मिलती है। लज्जत शो देखे, समीना आपा है हमारी भाई एक्सपर्ट बिरयानी और पुलाव। ओ माय गॉड, इतनी वैरायटी दी है इन्होंने और इतनी डिटेल देती है कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी देखिए सभी समझते होंगे शायद मैं घर में बेहद बिरयानी बनाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बिरयानी मुझे अच्छी लगती है और मुझे भी ये होता है कि आलू वाली बिरयानी या फिर एक बेसिक क्लासिक बिरयानी जो मैं बनाती हूँ और आप देखिएगा इंशाल्लाह ईद के शो पे बनाऊँगी मैं, तो वो बिरयानी मुझे ज़्यादा पसंद आती है जिसमें कोई मसाले नहीं होते लेकिन फिर भी बहुत ही बेहतरीन। लेकिन उसमें भी क्या है कि ज़ाफ़रान का इस्तेमाल होता है तो इसलिए वो बेहतरीन है। अब यहाँ पर बहुत अच्छी सी स्टीम जो है वो रिलीज़ हो रही है, हल्का सा हम इसको अब आप चेक कर सकते हैं क्या ज़बरदस्त ये बिरयानी जो है ये तैयार हो रही है। इसको अभी मैं कवर करूँगी, थोड़ी देर के बाद हम इसको खोलेंगे और इसको फिर हम सर्व कर दें। तो हम कॉलर ले लेते हैं। चलें बिल्कुल, आप कॉलर लें, मैं यहाँ पर ये कीमा जो ओए होए क्या जबरदस्त खुशबू आ रही, कीमा जबरदस्त कबाब कीमा फ्राई। कॉलर हमारे साथ है ना जी, फ्रॉम डी जी खान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी कैसी हो? बिल्कुल ठीक, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बारिश वारिश हो रही है, एंजॉय कर रही हैं? क्या मजे कर रही हो? कराची में तो बहुत अच्छा मौसम है। हाँ, कराची में भी खूब बारिश हो रही है। दीदी शहर में तो बहुत गर्मी है। समीना आपा से बात कर रहा है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। पकौड़े बन रहे होंगे आपके घर पे तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में, खैरियत से। और भरपूर यहाँ पे हो रही हैं तैयारियाँ, आप देख रही हैं हमारा प्रोग्राम? जी देख रहे हैं, बहुत अच्छी लाज भी बना रही है, रेसिपी देख रहे हैं आपकी, मटन बिरयानी से बना रही है, बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल इनको ट्राई कीजिएगा, दोनों आज की रेसिपी जो है माइंड ब्लोइंग, जिसे बच्चे कहते हैं माइंड ब्लोइंग, मैं बेसिकली माइंड ब्लोइंग। मटन कढ़ाई बनी थी वो भी हमने ट्राई की थी। वाह वाह, चलें गुड हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतना अच्छा ट्राई करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप मुझे बताते हैं कि आपने ट्राई किया, क्योंकि मेरा मकसद ये था कि यहाँ पे सिखाऊं आपको और फिर उसकी तफसीलात सारी बताऊं ताकि आपके जहन में सारी जो टिप्स हैं वो आपके जहन में मौजूद हों और आप अपनी चीज़ को बहुत अच्छा बेहतरीन बनाएं। इस कीमे को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हम बाहर जाते हैं और कबाब फ्राई जो खाते हैं ये बिल्कुल उसका टेस्ट आपको वैसे ही लगेगा इंशाल्लाह ताला। तो बहुत शुक्रिया कॉल करने, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत डिस्टरबेंस भी थी लाइन में। हाँ, लाइन में वहाँ से थी, यहाँ यहाँ बारिशें हुई है उनके यहाँ, तो वो कह रही गर्मी गर्मी हो रही है, बिल्कुल सब कुछ पड़ा हुआ है। अच्छा जी, मैंने देखे अपने हिसाब से मैंने इसमें कोयले का स्मोक दे दिया है, मुझे लगता है कि ये इतना स्मोक काफी है। ठीक है जी, ओके, ये क्या चूल्हा भी बंद कर दिया है? चूल्हा बंद कर दिया, चूल्हा पता है इसलिए बंद करना, क्या नहीं नहीं बंद नहीं हुआ अभी, इस रेडी नहीं हुआ अभी, इसका अगला एक स्टेप भी, इसको हम कवर करें। अब जैसे ये कीमा है इसको भी आप इस स्टेज के ऊपर बना के रख सकते हैं। अभी आपकी इसको इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक कराती है, ये देखिए ये अभी ऐसा है। अभी मैं इसको फ्राई करूँगी और फ्राई करने के दौरान थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे। देखें आप बाहर जाते हैं कहीं किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, कीमा फ्राई मंगाएं, वो थोड़ा सा पतला सा बना होता है, हल्का सा रनी सा होता है, और वो क्या होता है कि वो सीख कबाब स्टाइल में पूरा कीमा तैयार किया जाता है, उसके बाद उसको फ्राई किया जाता है। लेकिन उसके लिए अगर देसी घी का या बटर का इस्तेमाल है, देसी घी बेहतरीन रहता है उसके लिए, लेकिन हमारे पास चूँकि फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और फौजी वनस्पति मौजूद है तो इससे बेहतरीन तो हो ही नहीं सकता। तो ब्रेक लेते हैं, फिर बाकी की डिटेल वापस आके आपसे पूछते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि यहाँ सीख कबाब कीमा फ्राई आप देख रहे हैं लेकिन अभी ये कम्प्लीट नहीं हुआ है, अभी ये कीमा फ्राई यानी सीख कबाब का फ्लेवर तो दे दिया है। कीमा फ्राई के लिए अभी क्या करना बाकी है वो जान रहे हैं, साथ में बहुत ही जबरदस्त सी मसालेदार बिरयानी बन रही है, चटपटी सी, आपकी ईद उल अजहा के लिए हो सकती है ये बहुत ही खास मजेदार, आपकी दावतें कर देगी बहुत स्पेशल इस बिरयानी के साथ, तो तैयार जरूर कीजिएगा। फिलहाल ब्रेक ले रहे हैं, फिर मजीद आगे डिटेल शेयर करेंगे। वेलकम बैक, और यहाँ पर एक तरफ मसालेदार मटन बिरयानी बन रही है तो दूसरी तरफ जो सीख कबाब कीमा फ्राई क्या बन गया है?
बिरयानी। अच्छा अच्छा, मैंने कहा है कीमा फ्राई में तो काम बाकी। नहीं नहीं, अभी से बाकी है। ये बिरयानी रेडी हो चुकी है, बस मैंने देखा था कि दाम अच्छा सा आ गया। अब यहाँ पर मैंने पैन वेट वेट रखना जरूरी है। नहीं, वो वेट मैंने इसलिए रखा है ताकि यहाँ से सबको कुछ सब कुछ नजर आ जाए। हाँ, वहाँ चीज़ें थी इसलिए मैंने इसको यहाँ रख दी है। वैसे तो पहले बिरयानी के ऊपर रखा जाता था, इस तरह से को वेट रखा जाता था, या ऊपर जो है ना कोयला गर्म करके रखा जाता था ताकि बिरयानी अच्छे से हो जाए। अब स्टाइल थोड़े चेंज होते चले जा रहे हैं, तो बहरहाल बिल्कुल आप अगर ऐसे बनाते तो बिल्कुल बनाइएगा। यहाँ पर मैंने पैन गर्म होने के लिए, अब इसमें मैं डालूंगी फौजी बनास्पति। आप सोचिए, बनास्पति की ज़रूरत आपको बहुत पड़ने वाली है बकरीद के दिनों में, क्योंकि समीना आपा बहुत सारी रेसिपीज आपको सिखा रही हैं उससे। तो अब आप ले आए फौजी बनास्पति। अच्छा, ये फ्राई हो रहा है तो इसलिए इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इसमें खासा दरअसल ज़्यादा बनास्पति जाता है, हमने पहले मैरिनेशन में भी डाला था और अब इसको हम अच्छे से गर्म करेंगे। अच्छा, अब अगर आपके कीमे में थोड़ा बहुत पानी है बचा हुआ है तो कोई इशू नहीं, लेकिन मेरा खुश्क हो गया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा भुना हुआ सा आपको फील हो रहा होगा, है ठीक है ना। क्या खुशबू आ रही है, ओहो ज़बरदस्त। ठीक है, अब मैं इसको जब इसमें शामिल करूँगी तो ज़रा सा पानी जितना ये है इतना डाल के इसको तेज़ आंच में फ्राई कर लूँगी, निकालेंगे और फिर इसके बाद हमारे पास ये प्याज के रिंग्स हैं और इसके अलावा हमारे पास अदरक है। अदरक और इसका बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन, जब आप खाएंगे इसको पराठे के साथ ना, वाह मज़ा आ जाएगा आपको इंशाल्लाह ताला। क्योंकि ये चीज़ें वो होती हैं कि जो घरों में बहुत पसंद की जाती हैं, घर के मेहमान हज़रात या जाके बाहर जाके इंजॉय करते हैं, तो घर में बनाइए इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। एक काम करती हूँ, चले मैं इसको ज़रा सा थोड़ी सी जगह देती हूँ कि ये यहाँ पर आ जाए, ताकि मैं ज़रा आपको दिखा सकूँ कि बिरयानी के क्या हालात हैं। क्या चूल्हा, ओहो वाह, चूल्हा ज़रा स्लो हो गया है इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों नहीं गैस आ रही है। देखिए, लोड शेडिंग होती है तो हाँ, गैस होता की है। भी होती है, बिल्कुल बिल्कुल तो होती है, आदत अब हमें हो गई है, हम ठीक है। हाँ, खास तौर से बात नहीं, स्टूडियो में होती है और फिर हमारे शो पे होती है। ये देखिए जी, चले इसी तरह मैं आपको दिखा देती हूँ बिरयानी, बेहतरीन सी खुशबूदार। ये ओए होए होए, क्या अच्छा दम आया, गजब की मसालेदार बिरयानी। अगर पंजाब में नहीं मिलती है या नहीं आपको वो टेस्ट मिल रहा है कराची की बिरयानी वाला, तो एग्जैक्टली फॉलो कर लें, बस इंजॉय करेंगे आप भरपूर। देखा आपने कितनी ज़बरदस्त ये बिरयानी। अभी इसको मैंने पूरा नहीं चलाया, यूँ नहीं चला रही, क्योंकि जब मैं निकालूंगी ना तो उसको बेहतरीन तरीके से कर लूँगी। क्योंकि होता क्या है कि जब आप पूरी मिक्स कर देते हैं तो पूरी राइस आपके येलो येलो हो जाते हैं। चले जी, चूल्हा नहीं हो रहा, जल्दी से भेज दें, हम मैं काम चेंज कर लेंगे, कोई बात नहीं, आ लाइव जल्दी से। ये गया इसके अंदर, हम सीख लें। हाँ ठीक है, इसमें थोड़ा सा इसकी मकदार जो है घी की मकदार आपको ज़रा ज़्यादा लगेगी। ठीक है, अब मेरा चूँकि अच्छा सा गल गया था और बहुत सिमट गया, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा डाला, आपा बहुत मतलब दाना कम हो चुका है इसके अंदर, बहुत पेस्ट फॉर्म में कीमा हो गया है। ये देखें, इसको हम करते हैं और ज़रा सा, बिल्कुल मैंने आपसे कहा था ना, मैं ये पानी, इतना पानी मैं इसमें डालूंगी और हल्की आंच पर इसको थोड़ी सी देर के लिए दम दे दें, या फिर डायरेक्टली आप इसको तेज़ आंच पर पकाते ही रहें, 3 से 4 मिनट पकाएंगे, बेहतरीन सा आपका तैयार हो जाएगा कीमा फ्राई। उसके बाद इसको अनियन रिंग्स और हमारे पास जो अदरक के स्लाइसेस हैं उससे हम इसको गार्निश करेंगे। ठीक है जी, डन, और हो जाएगा ये तरह से तैयार। बेस्ट रेसिपीज हैं वैसे दोनों आज की, बहुत ही शानदार रेसिपी। और ये थोड़ा सा आप देखिएगा बनास्पति इसके साइड्स में आ जाएगा जब आप इसको थोड़ी देर कुक करेंगे। मतलब घबराना ये नहीं है कि आपको ज्यादा बनास्पति लग रहा है, नहीं 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 कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डाला ज्यादा जाता है ताकि ये अच्छा सा फ्राई हो, हल्का सा दाना लाजमी रहना चाहिए ताकि आपको कीमे का एहसास हो, तो ये रहेगा ज़रूर। आप पपीता जो है आजकल जैसे मौसम है उसमें 1.5 घंटे के लिए लगाइएगा, उसके बाद बाकी सारे मसाले 15 मिनट के लिए लगा कर छोड़िएगा, देन आप इसको पकाने रख दीजिएगा। पक जाएगा तो आप किसी बॉक्स में निकाल के इसको फ्रीज़र में रखना चाहें, फ्रीज़र में रख दें, 3-4 दिन आप फ्रिज में भी रखें, फिर आप ये फ्राइंग वाला करें जब आपको इसकी ज़रूरत है। नाश्ते पे आप इसको सर्व कीजिए, ब्रंच बना करते हैं तो उससे भी ये बेहतरीन लगेगा इंशाल्लाह ताला। क्या अच्छा आइडिया दिया वैसे। हाँ, ब्रंच पे अच्छा लगता है, जैसे ईद का 4th-5th दिन है तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, लेकिन इसके लिए शर्त ये कि आपको पहले दिन कसाई साहब अच्छा सा कीमा बना के दे दें और आप फिर ये उम्मीद तो गलत उम्मीद है नहीं, आप ऐसे जो बात है नहीं 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 नहीं, ये ज्यादती हो जाएगी, वो हम ये सोच के बैठेंगे वो करेंगे नहीं, हमारी उम्मीदों पे पानी फिरेगा, वहीं जाएं जो मशीनें लगी होती हैं, पैसे दें और करें। बिल्कुल, हाँ। वो सबसे अच्छा था, वो रात गए तक रहती है और अर्ली मॉर्निंग वो खुल भी जाती है, पर केजी के हिसाब से कीमा निकाल के देते हैं, आपको पैसे लेते हैं, काफी पैसे लेते हैं, लेकिन ये चले कीमा एक ऐसी फॉर्म है जिससे आप बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं, जो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर दोनों चीजें ऑलमोस्ट तैयार है, निकालेंगे और आपके सामने सर्व करेंगे।
जान हो गया, बिरयानी तैयार है, सीख कबाब कीमा फ्राई तैयार है। बिरयानी में तो हमने ऐड किया है कनौर का चिकन पुलाव स्टॉक जो कि क्यूब है, बहुत ही जबरदस्त है। इसमें एडिशनल सॉल्ट ऐड करने की आपको जरूरत नहीं क्योंकि इसमें सॉल्ट मौजूद होता है। आप बिरयानी बना रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं, या फिर आप सालन कोई बनाए या कढ़ाई बनाए, हर रेसिपी को बना सकता है। ये बहुत ही खास मजेदार है, चाहे वो बीफ की हो या मटन की हो, लेकिन असल मुर्ग का मजा जैसे ही आपको आएगा तो मजा एक्चुअली दोबारा हो जाएगा। कोई भी मीट हो वो एक्चुअली आप इंजॉय कर सकेंगे। चाइनीज रेसिपीज के लिए बहुत ही खास है, मजेदार ये कनौर का चिकन क्यूब। एक चिकन स्टॉक भी है और उसके साथ साथ पुलाव स्टॉक भी है। तो जो आपको लगता है, जो बना रहे हैं, बस ये ले आइए घर पर और अपनी रेसिपीज को बना सकते हैं शानदार मजेदार सी इन कनौर के क्यूब्स के साथ, चाहे वो पुलाव का स्टॉक हो या फिर चिकन स्टॉक हो। एंजॉय कीजिए। अब मैं फाइनली बैठी हूँ, आप लोग चेक कीजिए रीक, आप एक छोटा सा ब्रेक फिर ज्वाइन कर रहे हैं आपको। और यहाँ पर क्या बिरयानी लग रही है, बिरयानी ने एक्चुअली धूम मचा दिया आपा। बहुत जबरदस्त कलर है, खुशबू मजेदार है, लुक आप चेक कर सकते हैं, ये वाकई मसालेदार तैयार, मसाले वाली। अब मसाला कम बिल्कुल, हर चीज में आपको मिलेगी, आलू बुखारे भी। अच्छा इसमें अगर आप चाहें, आलू नहीं है बस ना, जैसे मुझे आलू वाली बिरयानी पसंद आती है, है ना। आलू मसाले वाली बिरयानी में ना आलू होना लाजमी की, उससे क्या होता है आलू से ना एक मसाला माइल्ड हो जाता है। हाँ। अगर थोड़ा सा भी तेज़ होता है तो वो अच्छा लगता है। बहरहाल अगर आप इसमें डालना चाहते हैं तो आलूओं को बॉईल करके फ्राई करके फिर डालिएगा तो इंशाल्लाह ताला देखिएगा कितनी अच्छी बिरयानी बनेगी। गजब की तैयार हुई है, मज़ेदार सी लग रही है। और कीमा फ्राई तो चेक कर लें, सीख कबाब कीमा फ्राई ये बहुत अच्छा तैयार हुआ है। अब हम एक्चुअली देख सकते हैं वो जो थिन और थोड़ा रनी सा जो आप कह रही थी, तो ये पराठे के साथ बेहतरीन लगेगा। अब मेरा जो बड़ा बेटा है वो तो उसको इतना पसंद है, उसको सैंडविचेस बनाता है सैंडविच मेकर में, इसके वो बहुत अच्छे बनते हैं। खैर बहरहाल अपनी वेरिएशन है, आप जिस तरह करना चाहें, लेकिन पराठे के साथ अमेजिंग अमेजिंग इसका रिजल्ट है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि भाई पराठा नहीं खाना, अब नान के साथ खाएं, किसी और चीज़ के साथ, पिकनिक्स के लिए भी जब पिकनिक के लिए बहते हैं, सब जा रहे हैं पिकनिक कर रहे हैं तो जाएं और ले जाएं इसके साथ, है ना। अच्छा फिर ये होता है कि ये आपने देखा हाफ के जी मैंने बनाया था तो कितना बहुत सारा ये हो गया ना, अच्छा खासा हो गया, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें मसाले जार डाले थे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा। कबाब चीनी अगर नहीं मिलती तो फिर भी आप बना लीजिएगा, हो सकता है कि अभी आपको ना मिले, लेकिन इस क्वांटिटी में तकरीबन 1/4 से भी कम, 1/8 समझ लीजिए मैंने डालिए, इससे टेस्ट अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो टेस्ट ख़राब भी बहुत। अच्छा, यानी चुटकी भर कर लें, चुटकी भर कर लें आप उसमें, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होता है जब जायफल जावित्री के साथ बाकी मसालों के साथ मिलेगा तो बेहतरीन इसका इंशाल्लाह। डालना ज़रूरी है लेकिन डर के डालें, डर के डालें, ये बिल्कुल सही कहा है। हाँ ओके, तो कल क्या बन रहा है, आज का दिन तो हो गया बहुत ही खास मज़ेदार सा, लिख रहे होंगे आई एम श्योर रेसिपीज, नहीं तो याद कर रहे होंगे कि क्या क्या करना, लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि कहीं कुछ मिस ना हो और वही टेस्ट आ जाए जो समीना आप आपको सिखाना चाह रही हैं। अच्छा कल हम जान रहे हैं हरा मसाला चॉप्स बन रहे हैं, ओहो हो चॉप्स की तो ढेरों ढेर वैरायटी दे दी, और ईद के दिनों में भी कुछ है ना। हाँ बिल्कुल, और साथ में टमाटर का भरता बन रहा है, और थर्ड रेसिपी मीठा है भाई, कोई बात नहीं मीठी ईद ना सही। हाँ। लेकिन मीठा जरूरी है, जरूरी है, दावतें इनकम्प्लीट है अगर डिजर्ट ना हो कोई भी, तो क्रीमी पीच पुडिंग बन रही है, पीचेस आजकल बहुत अच्छे आए हैं तो पीच की बना सकते हैं, और मैं पूछ लूंगी कल यही साथ के इसको मैंगो पुडिंग भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कोई बात ही नहीं है। चलें जी हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, प्लेटर पे मौजूद है बिरयानी, साथ में कीमा भी है, एंजॉय करेंगे मज़ेदार सी रेसिपीज, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग और खाएंगे, पहले बना ले तो बना ले, नहीं तो 10 जुलाई के बाद खाएंगे तो और अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। ठीक है तो कल मुलाकात करेंगे इन तीन खास रेसिपीज के साथ, दीजिए इजाज़त, दुआ करें खैरियत से भी पहुँच जाए घर हम, और आप लोग जितने लोगों के घर वाले बाहर हैं वो भी खैरियत से घर पहुँच जाए, और सबके घरों में सुकून रहे, खुशी रहे, सबके जानवर सही सलामत रहें, ठीक ठाक रहें। जानवर तो मैं भूल ही गई, वो भी बेचारे, वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है जो, क्योंकि होता क्या है देखिए कुर्बानी का जानवर जो है वो खुदा ना खास्ता उस पर कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, उसके जो बॉडी पे कोई निशान नहीं पड़ना चाहिए, कोई चोट नहीं लगना चाहिए, स्लिप हाँ हो जाते हैं ना, तो बहरहाल इस बात का ख्याल रखिएगा। डन हो गया जी, चले जी इजाजत ले रहे, कल मुलाकात करेंगे, अल्लाह अल्लाह हाफिज।